जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर एक बयान दिया। बयान यह था कि राधा के पति का नाम अनय घोष था, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी बरसाना की नहीं थी, रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां पर वो साल भर में एक बार में यहां जाती थी। अब ये बयान अब जब प्रेमानंद जी महाराज ने सुना तो वो भड़क गए। उन्होंने प्रदीप मिश्रा से कहा कि चार श्लोक क्या पढ़ लिए, बहुत अच्छे प्रवक्ता बन गए, तुझे नरक से कोई बचा नहीं सकता, हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए आज का शास्त्रार्थ इसकी जरूरत आज इसलिए पड़ी है। राधा रानी ऐसे दो शब्द हैं जिन्हें हम अलग करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं राधा के पति अनय घोष थे और राधा रानी बरसाने की रहने वाली ही नहीं थी, तो कौन सही और कौन गलत, क्या तथ्य है क्या फेक न्यूज है, इसी पर अगले एक घंटे तक होगा शास्त्रार्थ। स्टूडियो में मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, आपसे मिलवा देता हूं उनको। हमारे साथ हैं पंडित डीपी शास्त्री जी, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हैं आचार्य वल्लभ जोशी जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंडित शेष नारायण जी। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। महंत नवल किशोर दास साहब हमारे साथ हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री हमारे साथ हैं। आचार्य पंडित माधव कृष्ण शास्त्री भी हमारे साथ मौजूद है। तो कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, इसके बारे में उनकी ऐसी शक्तियां हैं, तुम किसी काम के नहीं रहोगे, देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये तमाम बातें ये कही गई हैं प्रेमानंद जी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि तुमने चार श्लोक क्या पढ़ लिए, तुम तो लग रहा है कि सारे धर्म के बारे में जानकार बन गए हो। क्या कुछ उन्होंने कहा था सुनिए जरा। 16,118 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गाँव की। जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे, उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है। चलिए शास्त्रार्थ की शुरुआत करते हैं। मैं महंत नवल किशोर दास आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। ये बयान, दोनों बयान लोगों ने देख लिए सुन लिए। हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो सबसे पहले राधा जोड़ते हैं, और राधा का जब नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं बरसाने में, तो उनको लाडली कहा जाता है और सबसे पहले कहा जाता है बरसाने वाली राधे। ये जो कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या तथ्य है? और बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मैं डंके की चोट पर यह कह रहा हूं। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि कथावाचक जो विद्वान लोग हैं उन्हें शास्त्र के साथ साथ भावनाओं का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ठीक है, आज भी आप जाएंगे तो रावल गांव में लाडली जी का प्रागट स्थान है, वहाँ करील का स्थान है रावल गांव में। हाँ जी, लाडली कहा जाता है उनको। हाँ। और जैसे भगवान कृष्ण का प्रागट मथुरा जेल में हुआ, ऐसा ही बताया जाता है कि रावल गांव में किशोरी जी का प्रागट हुआ, बाद में ब्रह्मान जी और जाकर के बरसाने में रहने लगे, वहाँ उनकी गद्दी बाद में बनी पर रहने ही लगे वहाँ रावल गांव छोड़ करके। आज भी वहाँ आप रावल गांव में जाएंगे तो बोलेंगे बरसाना में किशोरी जी बोला जाता है। हाँ। और रावल में लाडली बोला जाता है। पर मैं फिर भी ये कहूंगा, ये मतलब आप दोनों बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं प्राकट्य हुआ रावल गांव में,
बरसाने की भी थी, तो जो प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? नहीं, मेरी बात सुनिए, जो उन्होंने बाद में कहा कि इनके साथ विवाह हुआ, ये हुआ, कहीं ना कहीं भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। गद्दी पर बैठ करके आपको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, ये आस्था का विषय है, खिलवाड़ का विषय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब आप अभी कहोगे कहीं भी आप जाओगे तो भगवान श्री कृष्ण के सात राधा जी का नाम है कि नहीं? कहीं आप जाओगे राधे राधे, राधे के बिना कृष्ण आधे, ऐसा कहा जाता है। तो राधा जी, लेकिन फिर पंडित शेष नारायण जी, शेष नारायण जी आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कहीं भी जाओ तो राधे राधे कृष्ण के पहले राधा का नाम लिया जाता है, लेकिन प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि उनके पति का नाम अनय घोष था। वो कह रहे हैं कि कृष्ण जी की जितनी रानियां थी किसी में राधा का नाम नहीं है। जी शेष नारायण जी, आप ही सवाल है जी। यहां मेरा निवेदन यह है कि वस्तुतः रानियों में राधा जी का नाम इसलिए नहीं है कि एकम तेजह भवे द्विधा राधा माधव रूपकम। राधा और भगवान श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है, दोनों एक तत्व है, एक तत्व का ही दो स्वरूप हो गए हैं, एक राधा एक श्री कृष्ण। एक बात और विशेष समझिए कि राधा जी यदि पत्नी होती तो उनके नाम के साथ श्रीमती लग सकता था, लेकिन कहीं लगा हुआ नहीं देखेंगे, श्री राधा जी लिखा होता है। तो श्री राधा जी और श्री कृष्ण, इसका रेफरेंस क्या है? कोई पुराण, कहीं तो कुछ लिखा होगा, कहीं वर्णन होगा। अगर वो कह रहे हैं कि उनके पति का नाम अनय घोष था, आप एक बार वो भी चर्चा करूंगा जी, जी। सुनिए एक बार कि जहां की वो चर्चा कर रहे हैं वो तथ्य बता रहे हैं, यद्यपि उन्होंने गलती की है, प्रदीप जी ने वो प्रमाण नहीं दिए, उन्हें देने चाहिए थे। अनय घोष नहीं लिखा है वहां, वहां स्पष्ट लिखा है कि कृष्णेन सह राधायाः पुण्यम वृंदावने बने विवाहम कार्यामास विदिनाम जगताम विधि। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह भांडीर वन में हुआ था, ऐसा वहां वर्णन मिलता है। लेकिन जिसे वो अनय घोष कहते हैं, अनय घोष की जगह रायण वैश्य शब्द है वहां। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड, और वहां जब गर्गाचार्य जी आए हैं नामकरण करने के लिए तो गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा है, देखो घटना ऐसी घटित जी, ठीक है, लीला। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, जो बात यहां पर पंडित शेष नारायण जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक नाम लेने में उनसे गलती हो गई प्रदीप मिश्रा से। आपने कहा ब्रह्म वैवर्त पुराण का आपने जिक्र किया, और आपने आपने कहा कि उसमें खंड कितने खंड में आ रहा है? पूरी बात, श्री कृष्ण जन्म खंड, ये बात छूटी है थोड़ी सी जी, पूरी करो जी जी। वहां पर लिखा है कि रायण वैश्य के साथ राधा छाया राधा का विवाह हुआ है, जैसे छाया सीता जी का हरण हुआ। विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, देखिए यहाँ पर इस बात को मैं समझना चाहिए कि ये भक्ति का भाव है। इस भक्ति में तर्क नहीं चलता, कुतर्क तो बिल्कुल नहीं चलता। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है निराकारापि साकारा सर्व तत्व स्वरूपिणी अपतर्क गुणा। यहाँ शास्त्र में परमात्मा के संबंध में ध्यान करते हुए कि यहाँ पे निराकार साकार हर रूप में, हर ये जमीन जो है, धरा जो है, संपूर्ण भगवतमय है। इसमें हम उसको परिसीमन करने का प्रयास करेंगे, यहाँ 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 हरिनाम तो सब जगह किए जाने के प्रयास करना चाहिए। ये केवल अहंकार की लड़ाई है, मैं कहूंगा ये सामने जो दिखाई दे रही है। किस बात का अहंकार? देखिए ज्ञान साथ में आता है तो अहंकार साथ में, दम्भाचरण साथ में आ जाता है। मतलब मैं सबसे बड़ा ज्ञान, इसी बात का अहंकार? और किस बात का अहंकार है? किसको अहंकार है? देखिए जो भी व्यक्ति है इस कलिकाल में, सबसे बड़ी विचित्र विडंबना यही है कि हल्का सा ज्ञान और हल्की सी परिवेश और हल्का सा साथ में कुछ अनुयायी साथ में ले जाते हैं तो अहंकार स्वयं उत्पन्न हो जाता है। अब आवेश में कह दिया गया, मैं कहूंगा इस बात को तूल बनाना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात धर्म की यह है कि इस बात को तूल बनाने की, अनेक अनेक मुंडे मुंड मतिर भन्ना शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति अपने अपने। अब यहां शास्त्र में जिस चीज को बहुत ज्यादा विवाद नहीं उपस्थित किया गया, कथाओं को भी अगर हम पुराणों के अंदर उठा के देखें तो बहुत कम वर्णन मिलता है, राधा जी को छुपा दिया गया है। यहां एक संवाद आता है, मुझे पूरा उसका, भगवान शंकर का और भगवती पार्वती जी का संवाद है, उसके अंदर भगवान शंकर पार्वती ने राधा जी के संबंध में प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने कहा कृष्ण ने स्वयं राधा जी के ऊपर विचार देने से मना किया और वही गुप्त कर दिया गया। तो जब वही गुप्त कर दिया गया तो उसके ऊपर विवाद करने की आवश्यकता क्यों बनती है? आज हम धर्मज्ञ शास्त्रज्ञ जो लोग हैं उनसे इस बात को समझना चाहिए कि शास्त्र की अवहेलना कर रहे हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, तो क्या राधा जी के बारे में पुराणों में बहुत लंबा वर्णन नहीं है क्या, जिस वजह से ये बातें हो रही हैं? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये कह रहे हैं कि अहंकार का, ज्ञान का अहंकार है और उसकी ये लड़ाई है।
प्रत्युष जी, कुचित कुचित पुराणेषु विभेदेनो यत् जायते कल्पभेदेन तत्सर्वं समाधेया मनीषिणा। ऐसा नहीं है कि पुराणों में भिन्नता नहीं है, और ज्ञानी बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूड़ न कोय। ज्यादा ज्ञानी बनने से यही हाल होता है, दोनों के फॉलोअर करोड़ों में और दोनों के फॉलोअरों का टक्कर है। दोनों राधा वल्लभी हैं, दोनों एक संप्रदाय के हैं, फॉलोअर्स की लड़ाई है क्या? और दोनों ही जो है एक दूसरे को, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप किसके बारे में इशारा कर रहे हैं, खुलकर बोलिए ना। प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद जी महाराज, आप कह रहे हैं दोनों के फॉलोअर्स करोड़ों में, और यहाँ पर जो बात कही आचार्य विक्रमादित्य ने, ये कह रहे हैं कि ज्ञान के अहंकार की लड़ाई, आप तो कुछ और कह रहे हैं, फॉलोअर्स की लड़ाई है। प्रत्युष जी, यहाँ हम लोग सात हैं और आप अकेले हम लोगों पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे हम क्यों भारी पड़ने की कोशिश करेंगे, इतने प्रकांड विद्वानों के बीच में मेरी क्या हैसियत? आप सुनो तो फिर सुनो, हमसे ज्यादा हम तो कुछ भी नहीं जानते धर्म के बारे में, इसलिए तो शास्त्रार्थ कराया है। आपने खुद कहा फॉलोअर्स की लड़ाई, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, लोग भी जानना चाह रहे हैं। वर्तमान में तुलसीदास जी की बात सुनो, तुलसीदास जी ने बहुत सावधानी से बोला है कि जो यह बोले वचन समारे ते यह ताल चतुर रखवारे। ऐसा नहीं है, जो प्रदीप जी बोल रहे हैं वो भी जो है गलत नहीं है, वो भी सही, ये भी सही। जैसे महंत जी ने कहा ना कि वहां का भी प्रमाण मिलता है, परंतु बाबा भी जो है ठीक कह रहे हैं कि ये भावनात्मक जो है विषय है, इस पे जो है आम आदमी को नहीं घसीटना चाहिए। नहीं नहीं, असली में क्या है, देखो ऐसा है ना, समझ समझ की बात है। हर व्यक्ति जो है उस विषय को, जो ये प्रेम रसाधार का रसो वैसा है, राधा का नाम जो है उल्टा करोगे तो धारा बनता है। लेकिन लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप पूरी नहीं, बात नहीं, कर, 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 अभी अभी और भी मैं और भी दस और भी इतने धर्म गुरु हमारे साथ, इतने प्रकांड विद्वान सब बैठे हुए हैं, सबसे अच्छी अच्छी बातें और धर्म के बारे में हमें और भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा। राधा कृष्ण स्वरूपाम भई कृष्णम राधा स्वरूपणम तस्मात ज्योति रभो दूधा राधा माधव रूप। मैं असली में अध्ययन करके आया हूँ, इसलिए आप यदि पूरा सुनेंगे तब ये लोग सुनने वाले और आपके करोड़ों जो है सुनने वाले उनको भी समझ में आएगा। जो बात कही आप सुना दीजिए, मैं छोटा सा मुझे छोटा सा सवाल, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा प्रदीप जी भी सही और प्रेमानंद जी भी सही, दोनों सही तो फिर गलत कौन? असली में संतन की महिमा रघुराई बहुविध वेद पुराण गाई जो है, प्रदीप जी के करोड़ों फॉलोअर हैं, ऐसा ही नहीं है, उन्होंने भी तपस्या की है। और हमारे जो है प्रेमानंद जी हैं, ये भी जो है पूर्व जन्म के कोई साधारण नहीं है, ये भी बहुत अच्छे संत हैं। तो इनको समझना साधारण लोगों का काम नहीं है, और आप जैसे जो है पत्रकार तो मसाला लगा करके और ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि और जो है। अच्छा, ये बयान किसी पत्रकार ने दिया क्या? ये बयान किसी पत्रकार ने दिया क्या? अच्छा प्रतुष जी, अब ये बताइए, ये बयान प्रदीप मिश्रा का है या किसी पत्रकार का बयान है, जरा बता दीजिए। आचार्य शैलेश जी, क्या किसी पत्रकार ने कहा? प्रवक्ता को पूरा नहीं बोलने दे रहे हो आप। अरे क्या बात कर रहे हैं आचार्य कृष्ण बिहारी जी, सुनिए 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 सुनिए, अभी तो लगातार तो आप ही बोल रहे हैं ना, एक एक करके सबको मौका दीजिए। हाँ, सिंदुरारुण विग्रहाम तिनाणाम माणिक मौल अस्पुरा तारणायक शेखराम अश्वेत मुखी मापी नवक्षुरवाम माँ श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राज रविश्री कृपा से मैं आपको बता दूं कि राधा रानी जो हैं वह साक्षात महालक्ष्मी की स्वरूपा हैं, महालक्ष्मी की अवतरण हैं, महा सीता माता और राधा माता दोनों एक ही हैं। और जिस प्रकार से आज सनातन धर्म के ऊपर एक दूसरे के प्रति कटाक्ष की स्थिति चल रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और पास्ट इतिहास में क्या नाम था और किस जगह क्या वर्णन था, क्या अनय घोष था, तनय घोष था, यह प्रदीप मिश्रा जी नहीं जानते हैं। शैलेश तिवारी जी, आप तो बिना शंख के नहीं चलते, और आज भी आपके सामने बिल्कुल शंख रखा हुआ है। आप कुछ बोले उससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक बार जरा शंख बजा दें, शंखनाद कर दें। आप तो बिना शंखनाद का हमारी भावना जुड़ी हुई है, जिससे हमारे ऊपर आस्था है, उस आस्था को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। और आपस में सनातन धर्म के बीच एक दूसरे के प्रति
लड़ाई करना और अपने आप को बड़ा दिखाना यह अपने आप में सनातन धर्म की दुर्गति है। मेरा ऐसा मानना है कि माता राधा रानी से अरबों लोगों का भावना जुड़ा हुआ है। अपने श्वास के एक एक क्षण माता राधा रानी का नाम लोग लेते हैं और वैसे स्थिति में उनके ऊपर किन किस कहां शादी। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं, डिस्कशन करना अपने आप डीपी शास्त्री जी, इससे सनातन कमजोर होता है। जीनी